नमस्कार, न्यूज टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं दिव्या। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव के छठवें चरण का मतदान शांतिपूर्ण ढंग से आरंभ हुआ। सुबह 7 बजे से ही लोग विभिन्न मतदान केंद्रों की ओर कूच करने लगे। लोकतंत्र का महापर्व अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। छठे चरण के मतदान में जमशेदपुर सहित अन्य लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से ही लोग बूथों पर पहुंचने लगे। कई आदर्श बूथ भी बनाए गए हैं तो कुछ बूथों को संवेदनशील भी घोषित किया गया है। प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मतदाताओं की सुविधाओं का ख्याल भी रखा गया है। भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे आम लोगों ने रविवार की सुबह मंडरा रहे बादल और तापमान में कमी से काफ़ी राहत महसूस की। इस महापर्व में मौसम ने भी मेहरबानी जताई है। आइए आपको दिखाते हैं विभिन्न मतदान केंद्रों को कैमरे की नज़र से। डीसी साहब का बहुत सहयोग है और हमारे यहाँ प्रशासन का भी सहयोग है और शांति से हमारे यहाँ वोट हो रहा है। किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, अच्छा माने सुविधा ठीक है। अगले बार मरिएगा कि जिएगा जो भी कहा पा रहे वहाँ लिखा हुआ है। एक उधर करवा देते बड़ा, हम लोग उधर करवा देते बड़े। ठीक है, आगे आगे से करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सबको मालूम है सर। अंदर जाइए, थोड़ा सादा से फिट कीजिए। सीरियल नंबर आपको रुक के थोड़ा है ना, उतना देख लीजिए। सेवन सेवन फोर जी।
कैसे हो रहा है। डीसी साहब का भी बहुत सहयोग है और हमारे यहाँ प्रशासन का भी सहयोग है और शांति से हमारे यहाँ वोट हो रहा है। किसी तरह कोई परेशानी नहीं है, अच्छा माने सुविधा ठीक है और वोटिंग ठीक ठाक से चल रहा है। ले जाइए आधार कार्ड ले लीजिए। आधार कार्ड मिल गया आज। आधार कार्ड अगले बार तो अगले बार अगला बार तो अगले बार मरिएगा कि जिएगा जो भी कहा बात दूर में रखे वहाँ लिखा हुआ है एक वो एक नंबर लाइन से यहाँ कोई भी रहे उधर करवा देते बड़ा हम लोग उधर करवा देते हैं। ठीक है आगे आगे पीछे करो ठीक है। ऊपर दिखा दीजिए हाँ हाँ उसका मालूम ही लगता मौसम की मेहरबानी के बाद मतदान के प्रति लोगों में उत्साह काफी देखा गया। लगभग हर मतदान केंद्रों में सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटने लगी। आइए देखते हैं साक्षी बिष्टुपुर मानगो डिमना आदि क्षेत्रों में मतदान केंद्रों का नजारा। मुझे लगता है कि एक अलग एक बूथ और होनी चाहिए थी तो इतना लोगों को लंबी लंबी लाइन वेट नहीं करना पड़ता, जल्दी खत्म हो जाता। बाकी सब ठीक, अगर एक और रूम में इंतजाम रहता तो ये भीड़ जो थी आज कम हो जाती तो बहुत जल्दी बढ़ाना चाहिए था, बूथ को बढ़ाना चाहिए था। लाइन देखिए कितना बड़ा है कि तो आपको हेल्प किया करके हो गया है और काफ़ी वोट देने के लिए सब तैयार है। आई एम वोटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, रियली एक्साइटेड। आई टर्न्ड 18 दिस ईयर सो आई हैव ऑलवेज वांटेड टू वोट एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वोटिंग। व्हाट इज द वोटर कार्ड? I've not got my voter card till now, so I'm voting for my Aadhaar card as my identity. Are you happy? Yeah, definitely. Very excited to vote for the first time. और क्या करेंगे? क्या दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? क्या क्या दिक्कत हो रहा है? ये लाइन में जो लगे हुए हैं ना सब, ये सब उल्टा सीधा से नहीं जा रहा है। कितने देर से खड़े हैं आप? एक घंटा हो गया सबको खड़े हुए। हाथ में निशान देना चाहिए। यहाँ बिल्कुल शांति से हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। Thank
अंदर में लाइट लाइट एकदम नहीं है, जो देख रहे हैं वो नहीं देख पा रहे हैं, यही दिक्कत है। अदरवाइज उसी के लिए लेट हो, बाकी सब ठीक। हम लोग काफ़ी 45 मिनट्स हम लोग वेट करें यहाँ पे, और धूप इतनी है कि अरेंजमेंट के लिए थोड़ा से और ध्यान देना चाहिए था, और लेडीज़ के लिए कुछ अरेंजमेंट ऐसे नहीं, अभी सीटिंग ला के कोई दिया कि चलो बैठ जाइए 45 मिनट खड़े होने के बाद। और मेरे ख्याल से वोटिंग जब इतनी अच्छी तरह से हो, थोड़ा और अच्छी तरह होना चाहिए था, इतना टाइम जो ना। कहाँ से आए? अम्बागांव से। क्या सुना हुआ? प्रणति दास। थोड़ा अच्छा और होना चाहिए था, रोशनी बहुत कम है, प्रत्याशी को है ना लिस्ट में पहचान नहीं आ रहा है, वो नाम देखने में थोड़ा लेट हो रहा है। कौन सी जगह है? कौन सा जगह है? शारदा मणि स्कूल है। बूथ संख्या 235 है, तो ठीक से मिला है, लेकिन जो नियम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो नियम है उसी के तहत जो है सारा चीज़ मिलान करके दस्तावेजों के साथ जो है वो वोटिंग करने के लिए दिया जा रहा है, अनुमति दिया जा रहा है। 12.23% हो चुका है। 12.23% हमेशा आदमी खड़ा रहे, बहुत आधे आधे वोटिंग हो रहा है आपका, समझे? लेट हो रहा था, बहुत प्रोसेस लेट हो रहा है, सुबह से 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, 2 घंटे से ज़्यादा हो गए खड़े हुए। ईवीएम मशीन के पास हमेशा आदमी रेडी रहना चाहिए, आपको प्रोसेस बहुत डिले है, बहुत डिले प्रोसेस, सभी लोग को चेक करने में काम। छोटे बच्चे को लेकर के बच्चा है, उनको समझना चाहिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करना चाहिए। कितने देर से आप लाइन में? हम 8 बजे से आए। कुछ नहीं है, लाइन एकदम धीरे धीरे चल रहा है, ईवीएम खराब था। कितना देर खराब था? लगभग 45 मिनट।